आज की प्रोटेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटेस्ट है, क्योंकि आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ केरल की मुख्यमंत्री ने आज दुनिया को बताया है कि हर क्षेत्र में किस तरह केरल के साथ भेदभाव हो रहा है। पूरे तथ्यों के साथ इन्होंने ये छवि पेश की। और ये भी आश्चर्य की बात है कि आज एक चुने हुए सरकार और कैबिनेट और एमएलएज को मजबूर किया गया है इस मोदी सरकार की संवैधानिक हमले के कारण कि आज आके जंतर मंतर पर बैठे। ये तो पूरी दुनिया देख रही है। और आज तीन चीफ मिनिस्टर्स आए, सारे दलों की जो है लीडर्स यहाँ आए। किस लिए आए? इसलिए कि ये किसी सरकार की मेहरबानी के ऊपर हम लोग नहीं यहाँ खड़े हैं। हमारे देश की संविधान, हमारे देश की कानून, और उस पर जो मोदी जी हमला कर रहे हैं उनकी सरकार के द्वारा, इसके खिलाफ जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक कदम रहा है। देखिए, जाति सेंसस और जो तमाम सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं, वो सामाजिक न्याय के मुद्दे तब आगे बढ़ सकते हैं जब समाज की न्याय हो। यहाँ तो आप किसी प्रदेश को न्याय नहीं दे रहे हैं, तो किसी विशेष तबका का क्या न्याय होगा? तो ये सब इनकी राजनीतिक खेल है और इसका हम खंडन करते हैं।